हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाक ने इसराइल पे गौरी मिसाइल मारने के लिए ये क्या किया ऐलान, भारत ने दी वार्निंग। ये पाकिस्तान अपना ही कर रहा है। कर यार, करना तो वेट कर रहा। बल्कि मैं तो कहती हूँ जल्दी कर, ताकि हमें कुछ करना, भारत को कुछ करना। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना शुरू करेगा पाकिस्तान। मैं क्या बताऊँ क्या बोल रही हूँ कि तू कर ना। मैं जैसे वो कौन सा होता है ना, कर ना, तो क्यों कर, हम क्यों बोल रहे हैं, हर एक इंडियन को बोलना चाहिए कर ना, क्यों फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेगा इसराइल करेगा। हमारा दुश्मन का जो है ना खत्म करने का काम इसराइल कर देगा, हमें बैठे बैठे बस देखने को मिलेगा कि ओ पाकिस्तान गया। जल्दी करो जल्दी। तो इनको ये ईरान की तरह इनको भी समझ नहीं है कि भैया इसराइल करेगा क्या इनका। तो चलो मजे लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, चलिए शुरू करते हैं। जंग जो है वो हो रही है इसराइल और ईरान के बीच, लेकिन थरथली पड़ गई है पाकिस्तान में। जल साहब, हम एक न्यूक्लियर पावर है एज ए पाकिस्तान, ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क है, हमारा क्या रोल बनता है, हम क्या करें, क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें। करो करो आया जी गौरी, जल्दी वो कह रहे हैं गौरी मिसाइल का रुख आप इसराइल की तरफ करें, करो डायरेक्शन गौरी मिसाइल की उस तरफ कर दे। ये रिकमेंड कर रहे हैं, ये सजेशन दी जा रही है। इनको समझाओ किसी ने, ये जाहिल जेरूसलम पे बम मार देंगे, अलक्सा गिरा देंगे और फिर कह देंगे यहूदियों ने मारा है। जो मिसाइल दागे गए थे ईरान की जानिब से, उसके बाद इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जी ईरान ने इसराइल पर हमला करके एक बड़ी गलती की है। 7 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है, 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख है जब हमास की जानिब से हमला हुआ, और उसके बाद से बदला है इसराइल का वो पूरा नहीं हो रहा। इसराइल 7 अक्टूबर को बदला लेगा, शहर चाहिए। ये अजीब बेशरम लोग हैं यार, 500 मिसाइल, 300 पहले और 200 अब, 500 मिसाइल मार के एक इसराइली मारा है। आपने गौरी मिसाइल की डायरेक्शन करनी है उस तरफ से आपके पड़ोसी ने आपके S-400 का रुख आपकी तरफ कर देना, बस ऐ होना। अच्छा जल साहब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है इसराइल की, और बदले बता रहा है। उन्हें कहना अच्छा आपको तो टाइम लगेगा उस तरफ डायरेक्शन करने में, हमारी तो पहले ही डायरेक्शन आपकी तरफ है जाने वाली। वो जो है ना वो यक जान दो कालिम हैं, इसराइल और इंडिया। जरा ध्यान से भाई साहब, ध्यान से देखिए, जब ये खुदा ना खास्ता ये बात यहाँ तक पहुंची तो फिर पाकिस्तान तो अगला निशाना है ही है, हमें इस बात को समझना चाहिए। लोग पलटी करके मिसाइल के साथ खेल रहे हैं, एक मिसाइल इनका जाके वेस्ट बैंक में गिर गया भैया। तो क्या हम भी अंडर थ्रेट हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली तो देखें हम ही वो रह गए ले दे के, अल्लाह रहम करे दुनिया पर, क्योंकि हम ही हैं अब उनकी मदद के लिए। मदद के लिए इसराइल पर एक बड़ा मिसाइल अटैक किया, लगभग 180 मिसाइल इसराइल की तरफ दागे थे। दिमाग सही चल रहा है क्या, पाकिस्तानी मीडिया में खाने को, तुम्हारे पास पैसा नहीं है खाने के लिए, ऐसा लग रहा था खाना खाने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने ही इसराइल पर अटैक कर दिया है, लेकिन इनकी सारी खुशियां मिट्टी में मिल गई जब इन्हें ये पता चला कि 180 मिसाइल ने भी इसराइल के एक सिंगल सिटीजन का बाल भी बाका नहीं किया। ऊपर से एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, जहां ईरान का एक मिसाइल वेस्ट बैंक में जा गिरा और वहां एक मुस्लिम जो कि पैलेस्टीन का नागरिक था उसकी मौत हो गई। ओहो, इनका कोई गिरा भी नहीं है। इस्लामिक कंट्रीज को इस बात का खौफ है कि इसराइल किस तरह रिटेलिएट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनके 3 कमांडर निपट गए हैं और अब ऐसा ना हो कि चौथे का भी नंबर लग जाए। इसी टॉपिक पर चले आगे, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा देखिए, वैसे मुस्लिम उम्मा की जब ये बात हुई ना तो हामिद मीर ने एक तकरीर की, उन्होंने कहा ये कुत्ते और बिल्लियों से भी रह गए हैं। अच्छा वो क्यों कहा है उन्होंने, सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि उन्होंने पैलेस्टीन की बात की, फिर उन्होंने जिना की बात की, फिर उन्होंने इंडिया की बात की, और साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक साहब बैठे हैं जिन्होंने अभी कहा कि गौरी मिसाइल का रुख ही कर दो इसराइल की तरफ, और कुछ नहीं कर सकते। तो कैन यू इमेजिन मैन, आपने उधर से गौरी मिसाइल का रुख उस तरफ करना है, आपने गौरी मिसाइल की डायरेक्शन करनी है उस तरफ से आपके साथ पड़ोसी ने आपके S-400 का रुख आपकी तरफ कर देना, बस ऐ होना है सिर्फ।
अच्छा आपको तो टाइम लगेगा उस तरफ डायरेक्शन करने में, हमारी तो पहले ही डायरेक्शन आपकी तरफ है जाने वाली, वो जो है ना वो यक जान दो इसराइल और इंडिया, जरा ध्यान से भाई ये चल रहा है, पता है इसराइल सब हम एक मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क है, हमारा क्या रोल बनता है, हम क्या करें, क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें, लीड करेंगे पीछे पीछे फॉलोअर बन के चले, तुम लीड करो, गरीब नेशन हो तुम दोनों, तो बड़ा देख की कोई वक्त था कि एक पोजीशन थी कि हम आलम इस्लाम को लीड कर रहे थे, अब चूंकि हमने अपने भाई मेहनत करके अपने आप को इकोनॉमिकली इस कदर ले गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हम किशकोल लिए फिरते हैं, तो दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्या लेकिन पाकिस्तान नहीं पता तेरे साथी को मजबूत है, लेकिन जब आप माली तौर पर इसके लिए कमजोर होंगे और माली तौर पर लीडरशिप है हमारी उसको भी दर्द दौड़ाइए, जो सियासी इशराफिया है उनको देखिए क्या उनको इस चीज का एहसास भी है, हम सिवाय डेस्क बजाने के या जो शरीर तकलीफ करने के क्या आपने आज तक इस मसले पर कोई संजीदा बहस होती हुई देखी है अपने करते हो तुम इतने सच्ची संजीदा यही तो है सब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है इजराइल की और बगले बजा रहा है, तो ये इसे आप कैसे देखते हैं, हमारे पहलू में भी वो है, आपने ठीक फरमाया कि जो हमें जिस मुकाम पे इस लीडरशिप पे पहुंचा दिया वो बात दुरुस्त है, तो क्या इंडिया हैंड इन ग्लव होगा अगर ये एक्सपेंशन के इस मोड में है और आगे बढ़ता है, तो इंडिया और वो है तो वो इकट्ठे ही, क्या प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं जी, बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे हैं, प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हैं। अच्छा भाई साहब, दौड़ाइए ना, प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हैं, प्रैक्टिकली भी हैं, आपके जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट है या सियासी तौर पर या एक्सट्रीमिज्म है वो कहाँ पर है, हम जूश जायजम को हम पहचानते हैं, हम क्रिश्चियन ज़ायनिज्म को एक्नॉलेज करना नहीं चाहते जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, जो ब्राह्मण ज़ायनिज्म है उसको भारत लीड कर रहा है, तो आप देखिए पागल आदमी इकट्ठे मिलके बैठे हुए हैं और तीनों किसके खिलाफ नबरदा आजमा है, ये भी आपके सामने है सबके, तो हमें क्यों शक है इस चीज का कि भारत इसका फायदा नहीं उठाएगा, भारत रिलीजन तो फिर हमारा तो पड़ोसी है, तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात आएंगे, तो क्या हम खामोश रहेंगे? तो बहुत ही भोला आदमी है। देखिए पाकिस्तान पर इसके असरात पड़ रहे हैं, भोला इक्वल टू बेवकूफ, बड़ा भोला, इसको पता नहीं किसने बना दिया, पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी नकेल आईएमएफ के हाथ में दे दी है और IMF की शायद हिसाब चल रहे हैं, क्या हमें इतनी सख्त है कि हम खड़े हो जाएं जगह पे जाकर? ना भैया, तुम तो बैठने के लायक भी नहीं हो, इशू पर भी इंटरनेशनल इशू पर। जल साहब एक और सवाल, अगर इस तरह ऑल आउट वार होती है, ईरान बिल्कुल हमारे हमसाये में बड़ा लंबा बॉर्डर है, हम कैसे नॉन साइलेंट रह सकेंगे? इसराइल के माबेन देखिए, जब ये खुदा ना खास्ता ये बात यहाँ तक पहुंची तो फिर पाकिस्तान तो अगला निशाना है ही है। अच्छा, हमें इस बात को समझना चाहिए। वेरी गुड, दिल पिच गया। वक्त नहीं है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इस किस्म के जो ममालिक है जिनमें थोड़े बहुत सख्त है, जिनमें वो मिलकर बैठे और सर जोड़कर कोई ऐसी लाहेमत तरतीब दें जिससे इसराइल के बढ़ते हुए कदम रोके जा सके। रोको रोको भैया, ये परफेक्ट एग्जांपल है, जब तीन बेवकूफ बैठते हैं तो क्या बातें करते हैं, कमाल का यार, इनको अपने आप में आज पता चला क्या बात होती है, अपने आप में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि क्या हम लीड करेंगे, करो सीरियस, तुम लीड करोगे क्या, आपने मुसलमान देशों को क्या हम अभी बचे हम पहले करते थे, हम करते थे, मैंने कहा तुम करते थे, मेरे दिमाग में आता कि तुम करते थे तभी तो तुम्हारा ये हाल हुआ, अगर तुम फिर कह रहे हैं कि हम ईरान की हेल्प करेंगे और तो बचा नहीं हेल्प करने के लिए ईरान की, ये करेंगे क्या बातें कर रहे हैं यार, ये तो कटोरे लेके जाएंगे, नहीं हेल्प कर नहीं सकते, ईरान की हेल्प करोगे, ये तो इन्हीं लोगों के पास जाते थे कटोरे लेकर, ये हेल्प करेंगे, इन्होंने तो इन देशों के साथ वो भी किया था ना, ईरान ने बोल देगा माफ करना भैया, नहीं उन्हीं की हेल्प जो की थी, वो क्या अर्थ को एक से एक न्यूज थी ना कि अर्थ को एक का सामान इनका फ्लड के लिए इनको भेजा था सामान हेल्प के लिए, और वापस जब अर्थ को एक हुआ तो इन्होंने वही सामान को रीपैक करके अपना
फ्लैग का टप्पा लगाकर वही उनको पकड़ा दिया था, ये हेल्प करेंगे। बाय गॉड, सच्ची में मजा आ गया इनकी बातें सुन के कि ये है कैसे। मैं तो कह रही हूँ करो, जल्दी करो, सोच क्या रहे हो, जल्दी से अपनी एक गौरी फौरी को उस सही डायरेक्शन में करो। इंडिया तुम चिंता मत करो, इंडिया कुछ नहीं करेगा, जो करेगा इसराइल करेगा, नहीं इसराइल नहीं, इसराइल करेगा। मजा ही आया यार। तो चलो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।